सर वही चर्चा है कि हमारे पहली बात कि हमारे पीएम मोड एकदम अप टू डेट रहते हैं, जैसे कि रील्स वगैरह का आज बहुत वो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, तो उन पे बहुत काफ़ी बात किए कि उसके साथ साथ कैसे सोशल मीडिया के साथ साथ अपनी स्टडीज़ को मैनेज करना है। मोदी ने हमको प्रेरणा दी कि एग्ज़ाम किसी एग्ज़ाम से घबराना नहीं चाहिए, और ये ऐसे कार्यक्रम इसलिए आयोजित किए जाते हैं क्योंकि हम एग्ज़ाम से घबराए ना। एग्ज़ाम के पहले परीक्षा पे चर्चा कराते हैं, जिसके कारण हमें यानी कि कई सारी चीज़ों में जो जिसमें हमें मुश्किल जाती है उसमें हमें मुश्किल नहीं जाएगी, हम अपने कई सारे जो हमारे पास दुविधाएँ आती हैं उनसे उनका समाधान करा सकते हैं उनके द्वारा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ऋषित है। कौन सी क्लास में? मैं 11th में हूँ। 11th क्लास में हो तो प्रधानमंत्री का आना आ करके विद्यार्थियों से एग्ज़ाम से पहले जो है इस तरीके से बात करना और जो स्ट्रेस आता है, जो तमाम अड़चनें आती हैं उनको लेकर के जो है बच्चों से बात करना, क्या कहना चाहेंगे? सर काफ़ी अच्छा इनोवेटिव है, मतलब ये बहुत अच्छा आइडिया है किस तरीके से हमारे साथ इंटरेक्शन होता है एंड हमको जो सीख मिलती है उनसे प्रधानमंत्री से, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारी एग्ज़ाम्स के लिए। यस यही मेरा कहना है। और उसके अलावा क्या कहना चाहोगे? जो आज चर्चा हुई कौन सी चर्चा आपको एकदम छू गई पीएम? सर वही चर्चा है कि हमारे पहली बात कि हमारे पीएम मोड एकदम अप टू डेट रहते हैं, जैसे कि रील्स वगैरह का आज बहुत वो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, तो उन पे बहुत काफ़ी बात किए कि उसके साथ साथ कैसे सोशल मीडिया के साथ साथ अपनी स्टडीज़ को मैनेज करना है, तो बात में वो काफ़ी इंस्पायरिंग लगी। टाइम एक टाइम स्लॉट रखा जाए कि मोबाइल चलाना है तो इतनी देर के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ हमारे साथ और भी। हाँ आपका क्या नाम है? अरमान भारद्वाज। कौन से क्लास में? क्लास 8th। क्लास 8th में हो। आप क्या कहना चाहोगे? पीएम ने एग्ज़ाम से पहले सब बच्चों से मिले और उनको एग्ज़ाम का मंत्र आज दिया है पीएम ने। पीएम मोदी ने हमको प्रेरणा दी कि एग्ज़ाम किसी एग्ज़ाम से घबराना नहीं चाहिए, और ये ऐसे कार्यक्रम इसलिए आयोजित किए जाते हैं क्योंकि हम एग्ज़ाम से घबराए ना, और हमको बताते हैं कि एग्ज़ाम से घबराना नहीं चाहिए। जी अच्छा, और भी आपका क्या नाम है? सर अदिति मिश्रा। अदिति कौन सी क्लास में हो? सर क्लास 8th। क्लास 8th में हो तो पहली बार देखा आज पीएम? यस सर, पहली बार देखा। और जो चर्चा की पीएम ने उस बारे में क्या कहना है आपका, एग्ज़ाम से पहले बच्चों के साथ जो चर्चा? सर ने स्ट्रेस फ्री कराने के लिए चर्चा करी थी कि बच्चों को मोटिवेट कर सके। तो अब यहाँ से मोटिवेट होके जाएंगे एग्ज़ाम में? यस सर, जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और छोटे छोटे बच्चे भी। आपका क्या नाम है? लव्य पटले। कौन सी क्लास में? 8th। आप क्या कहना चाहोगे पीएम के बारे में? हम बहुत अच्छा कहना चाहेंगे क्योंकि वो एग्ज़ाम के पहले परीक्षा पे चर्चा कराते हैं, जिसके कारण हमें यानी कि कई सारी चीज़ों में जो जिसमें हमें मुश्किल जाती है उसमें हमें मुश्किल नहीं जाएगी, हम अपने कई सारे जो हमारे पास दुविधाएँ आती हैं हम उनसे उनका समाधान करा सकते हैं उनके द्वारा। जी स्टूडेंट्स है आपका, आपका क्या नाम है? सर दिव्य खांडेकर। दिव्य कौन सी क्लास में हो? सर 9th। 9th क्लास में हो। आप क्या कहना चाहोगे पीएम ने आज जो है एग्ज़ाम मंत्रा दिया एग्ज़ाम से पहले सब? सर ये उनका बहुत अच्छा आइडिया है कि बच्चों के साथ ऐसे मिलके बात करें, ये बहुत अच्छे प्रधानमंत्री भी हैं हमारे जी, और अभी हम बहुत दूर से आए हैं, जाने के बाद हमारा एक पेपर भी PWT 4 एग्ज़ाम है हमारी, तो उसके लिए शायद हमें कुछ मदद मिल सके इससे इनकी इंटरव्यू स्ट्रेस रिलीफ करने की काफ़ी बात। जी नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अर्जुन खजूरिया। परीक्षा पे चर्चा, एक ऐसी चर्चा जिसकी शुरुआत हुई 2018 में केंद्र सरकार की तरफ से और एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ मिलकर के इसकी शुरुआत की गई, जिसमें हर बार परीक्षा से पहले प्रधानमंत्री विद्यार्थियों के साथ संवाद करते हैं। और इस बार आपको बता दें 2024 का जो संस्करण हुआ, इस समय भारत मंडपम में हम मौजूद हैं जहाँ पर यह संस्करण हुआ, और 3000 विद्यार्थी जो हैं उनको यहाँ पर इन्वाइट किया गया, जबकि रजिस्ट्रेशन जो है वो 2,25,00,000 विद्यार्थियों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया था। और मेरे साथ इस समय विद्यार्थी मौजूद हैं, उनके टीचर मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनसे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो है पीएम मोदी लगभग 2 घंटे तक इनसे संवाद करके जो है वो यहां से गए हैं, आइए बात करते हैं। सर पहले आप बताइए क्या नाम है सर? आप उमेश नागपुरे। उमेश जी कहां से आए हैं सर? हम लोग बालाघाट से आए हैं सर। बालाघाट मध्य प्रदेश जी। अच्छा, 7वां संस्करण ये जो है परीक्षा पे चर्चा का था, पहले तो ये बताइए आप कैसे देखते हैं इसको, प्रधानमंत्री खुद जब विद्यार्थियों के साथ परीक्षा से पहले संवाद करते हैं और कॉन्फिडेंस विद्यार्थियों को देते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी पहल है। नॉर्मली किसी राष्ट्र का मुखिया यदि बच्चों को इनक्रेज करता है पढ़ाई के लिए और बोलता है कि पढ़ाई से डरना नहीं है, परीक्षा से डरना नहीं है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव इम्पैक्ट जा रहा है बच्चों में और इसका फ़ायदा सभी समाज के सभी वर्ग को मिल रहा है, पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी
और बच्चों को भी। अच्छा, टीचर्स के लिए भी हमेशा से देखा गया है, मैं भी जब फॉलोअप करता हूँ परीक्षा पे चर्चा, टीचर्स को भी कुछ ना कुछ सुझाव देते हैं पीएम। जैसे आज उन्होंने कहा कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं उनका तो हमेशा टीचर जो है वो उनको हौसला देते हैं, लेकिन जो कहीं पीछे छूट जाते हैं उनको भी जो है आप उनकी प्रतिभा के बारे में उनको अवगत कराइए, उनको कॉन्फिडेंस जो है उनका बिल्डअप कराइए, इस बारे में क्या कहना है आपका? बिल्कुल सही बात है, ये एक सामान्य लोगों की सोच है, इवन हम सबकी सोच है, जो बच्चा होशियार होता है उसको ज़्यादा फोकस करते हैं। पर सच्चे अर्थ में शिक्षा तब होगी जब बच्चों को, जो निचले दर्जे के बच्चों पर हम ध्यान देंगे। तो मोदी जी ने सही बात कही है, सहमत हूँ उनकी बातों से। बच्चों से भी बात कर लेते हैं, क्या नाम है आपका? नवदीप कोलते। कौन सी क्लास में हो? क्लास एट थे। क्लास एट में हो, अच्छा। कौन सी बात आज पीएम की अच्छी लगी है आपको? अच्छा, पीएम के बारे में क्या कहेंगे, आज खुद आपने देखा पीएम? पहली बार देखा। अच्छा, और भी बहुत से स्टूडेंट मैम आप इनके साथ हैं, टीचर हैं? जी टीचर हूँ। तो एक टीचर के नाते आप बताइए, बच्चों से तो मैंने पूछा, टीचर के नाते आज जो चर्चा हुई है परीक्षा पे चर्चा, क्योंकि वो अभिभावकों के साथ भी चर्चा करते हैं, शिक्षकों के साथ भी करते हैं, उस नाते क्या कहना चाहेंगे? सर मुझे सबसे अच्छी बात आज ये लगी कि वो हमेशा प्रेरित तो करते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन आज जो दूरियों के बारे में उन्होंने बताया कि एक स्टूडेंट अपने मित्र से किस तरह से दूर हो रहा है, या एक पेरेंट्स अपने बच्चे से किस तरह से दूर हो रहा है, बच्चा पेरेंट्स से कैसे दूर हो रहा है, शिक्षक से कैसे उसकी मानसिक दूरियाँ बढ़ रही है, उन सबको दूर करने का जो तरीका बताया वो मुझे आज बहुत ही अच्छा लगा, और मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा हर शिक्षक इससे कुछ अच्छी चीज़ें सीखे। जैसे यहाँ कुछ ही स्टूडेंट्स आ पाए हैं स्कूल के, जो बाकी स्टूडेंट्स नहीं आ पाए, उनके लिए भी जा करके उनके लिए कोई कुछ ऐसा सेशन रखने वाले हैं स्कूल में? हाँ बिल्कुल रखा जाएगा सर, हर कार्यक्रम के बाद हम एक सेशन ज़रूर रखते हैं उन बच्चों का, इवनिंग असेंबली के समय हो या मॉर्निंग असेंबली के समय, हम सभी बच्चों को प्रेरित करने के लिए, इनसे इंस्पिरेशन प्राप्त करने के लिए उनको ज़रूर चांस देते हैं, उनको बताते हैं, समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं भारत मंडपम में, जहां पर थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से परीक्षा पे चर्चा का जो सातवां संस्करण था वो उसकी यहां पर शुरुआत की गई थी, और अब जो है कार्यक्रम के बाद आपको हम एग्जीबिशन जो हॉल है यहां पर लेकर के आए हैं। आप देख सकते हैं यहां पर विद्यार्थियों की तरफ से खुद जो यहां पर मॉडल बनाए गए हैं, खुद जो एग्जीबिशन यहां पर लगाई गई है। हाल ही में सब जानते हैं कि जो चंद्रयान 3 जो लैंड हुआ साउथ पोल पर, दक्षिणी ध्रुव पर, आज तक कोई भी देश, दुनिया का कोई भी देश जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया था, लेकिन भारत ने पहली बार जो है ये इतिहास रचा। उस बारे में जो है यहाँ पर विद्यार्थियों की तरफ से बनाया गया है, रोबोट यहाँ पर विद्यार्थियों की तरफ से बनाए गए हैं, आइए इनसे भी बात करेंगे। और थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ये जो एग्जीबिशन यहाँ पर विद्यार्थियों की तरफ से लगाई गई है, अगर मैं पूरा समय लगा करके इस एग्जीबिशन को देखूंगा तो मेरे को 5 से 6 घंटे जो है वो इसमें लगेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है वो इस एग्जीबिशन के लिए भी प्रधानमंत्री ने बढ़ावा जो है वो इन विद्यार्थियों को दिया है।